हर्ष इनफैक्ट एक सवाल मेल के जरिए यहां शामिल करेंगे। ये सवाल वाई संत जी ने भेजा हरिद्वार से और ये एलिजिबिलिटी को लेकर थोड़ा कंसर्न है। जैसा कि इन्होंने बताया इनकी उम्र लगभग 51 साल है और जो इनकी आय LR इज अराउंड 50,000 क्योंकि रिटायरमेंट के नजदीक है इनकी उम्र। इन दैट केस कितना लोन इनको मिल पाएगा और साथ ही कितने समय के लिए लोन मिलेगा? तो क्लियरली जो लोन है वो इस अवधि का होता है कि उस अवधि के एंड पर आपको आपका लोन भी खत्म हो जाए। तो चूंकि मेरे ख्याल से संत साहब 51 साल के हैं और अज्यूमिंग की रिटायरमेंट एज उनकी 60 है तो 9 साल का लोन उनको मिलेगा। जब अवधि कम होती है लोन की 15 या 20 साल से अगर 9 साल है तो ईएमआई बढ़ जाती है क्योंकि अब कम समय में आपको सारा लोन चुकाना होगा। तो उन्होंने जो अपनी इनकम बताई है करीबन 6 लाख उसके बेसिस पर और अज्यूमिंग 10.25 के आसपास ब्याज की दर अगर हम अज्यूम करते हैं और 9 साल का लोन अगर हम अज्यूम करते हैं तो रफली 16 लाख का लोन वो एलिजिबल होंगे, बशर्ते कि घर का कॉस्ट एग्रीमेंट वैल्यू कम से कम 19 लाख के आसपास हो। तो अगर घर का एग्रीमेंट वैल्यू 19 लाख का होगा तो करीबन 16 लाख तक का लोन इन्हें 9 साल का मिल जाना चाहिए। 10.25% का अगर रेट हम अज्यूम करें, ईएमआई करीबन 22,750 के आसपास होगी। अगर इनको अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ानी है तो ये अपनी अगर स्पाउस काम करती हैं, इनकी वाइफ काम करती हैं, उनको इंक्लूड कर सकते हैं या अपने सन को इंक्लूड कर सकते हैं अगर वो अर्निंग है और काम कर रहा है, तो उससे इनकी एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है। जी, तो यानी मौजूदा आधार पर, मौजूदा जो प्रोफाइल आपने शेयर किया उसके आधार पर आपको 16 लाख तक का लोन मिल पाएगा। लेकिन जैसा एक्सपर्ट ने कहा, अगर आप वर्किंग स्पाउस या वर्किंग डॉटर, इनफैक्ट सन को आप इंक्लूड करते हैं, एलिजिबिलिटी यहां पर बढ़ जाएगी। रिक्वायरमेंट जितनी है आपको, शायद उतना लोन आपको मिल पाएगा। एक और सवाल ईमेल के जरिए शामिल कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम का आखिरी सवाल होगा। आर्ष, सुनील जैन साहब का सवाल है।